आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, मैं आपके साथ स्वाति। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। देश में कोरोना के बीते दिन 3,426 केस आए, 5,827 मरीज ठीक हुए और 552 की मौत हुई। CBSE 10वीं 12वीं परीक्षा 2022 के लिए बड़ा बदलाव, 50% कोर्स के साथ होंगे दो टर्म एंड एग्जाम। पीता लालू यादव से की खुद की तुलना, तेजस्वी पर चुटकी ली, आखिर क्या संदेश दे गए तेज प्रताप। दिल्ली NCR में भूकंप के झटके, हरियाणा के इजर में था केंद्र। मानसून 10 जुलाई तक राजस्थान पंजाब समेत उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में छाएगा, दिल्ली में 15 साल में सबसे लेट। फिलीपींस में सैन्य विमान क्रैश, 45 की मौत, 49 लोग बचाए गए। अफगानिस्तान ने एक और इलाके पर कब्जा किया, अब इस आतंकी संगठन के हाथ में यहां के 50 से ज्यादा जिलों का कंट्रोल। तालिबान से संघर्ष के बाद अफगानिस्तान के सैनिक जान बचाकर ताजिकिस्तान भागे। श्रीलंका में चीन के सैनिक कर रहे काम, हम्बनटोटा से तालाब से मलबा निकालते देखे गए। जर्मनी में शरणार्थी केंद्र में अफगान हमलावर ने चाकू मार के की शख्स की हत्या, लगाया अल्लाहू अकबर का नारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।